जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 है, क्लास आपकी 9th है। इसमें आपका सवाल नंबर जो होता है वो 2 है। इसको पहले पढ़ लें कि पूछा क्या गया है कि नीचे दिए गए कालों में से कौन से जो होते हैं वो नातर कालम है और कौन से आपके गैर नातर कालम है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नातर कालम होता क्या है। ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर हो नातर कालम कहलाता है। ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर हो नादर कालम कहलाता है, और ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर के अलावा कोई भी अदद हो वो आपका गैर नादर कालम कहलाता है। दोबारा देख ले, ऐसा कालम, वैसे पहले आपने इसको हल करना होता है लेकिन तरीके इसकी पहले आप समझ लें कि ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर हो आपका नादर कालम कहलाता है, और ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर के अलावा हो यानी सिफर के बराबर ना हो आपका गैर नादर कालम कहलाएगा। अब हम कॉल को हल करते हैं, तो राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले उसका मक्ता की लामत आपने लगानी है 5 माइनस के 10 माइनस के 2 और आपके पास 4 है, इसके साथ मक्ता की लामत आपने लगानी है। अब हम करते हैं मतलब के अरकान का हासिल है, जरा 5 × 4 लिखेंगे, माइनस की लामत आपने लगानी है, माइनस के 2 जरा माइनस के 10 आपके हो जाएंगे, तो 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बन जाएंगे 20। अब हम करते हैं 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके 20 बन जाएंगे। 2 के साथ भी माइनस की अलामत और 10 के साथ भी माइनस की अलामत है, जो माइनस वाली रकम जब माइनस वाली से जर्ब खाती है ये मल्टीप्लाई होती है वो जमा में तब्दील हो जाती है। ठीक हो गई, ये जमा के आपके 20 बन जाएंगे लेकिन ब्रैकेट के बाद भी माइनस की अलामत है, तो इस तरह से जब जर्ब खाएंगे तो आपके माइनस के 20 हो जाएंगे। इस तरह आपका आंसर जो होगा वो सिफर आ जाएगा। अब देखिए, ये ऐसा कालम जिसका मक्ता जो होता है वो सिफर आया, लिहाजा ये आपका नातर कालम कहलाएगा। जो कालम डी आपका नादर कालम, ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर के बराबर हो। अब हम जो होते हैं वो सी जो उसको हल करते हैं। सी इस तरह मक्ता की सिंबल आपने लगानी है, 9 है, 3 है, 5 है, इसके साथ भी आपने उस तरह मक्ता की अलामत ही लगानी है, ये ब्रैकेट नहीं लगानी है, आपका गलत हो जाएगा, मक्ता की अलामत ही लगानी है। अब हम उसको हल करते हैं, 7 जरब आपके पास आ जाएगी, 5 इसके बाद माइनस है, 3 जरब माइनस के 9, जब हम इसको हल करते हैं तो 3 जो तो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगी 21। अब 9 जब 3 से जो तो मल्टीप्लाई होगा तो आपके बन जाएगी माइनस के 27, क्योंकि जरब खाने वाली रकम आपकी 1 है, ये भी माइनस है, माइनस के 27 ब्रैकेट के बाहर भी माइनस की लामत है, तो इसे जरब खाएगी तो ये आपके बन जाएगी जमा के 27। अब इनको जमा कर दें तो ये आपके बन जाएंगे 48। तो सी एक ऐसा कालम है जिसका मक्ता जो तो सिफर नहीं है, लिहाजा सी जो होगा ये आपका गैर नादर कालम कहलाएगा, ये आपका गैर नादर कालम कहलाएगा। इसी तरह आप हम हल करते हैं जी बी जो उसको हल करते हैं, तो बी के साथ उसी तरह मक्ता के नाम कर लगाए, 4 1 3 2 मक्ता के नाम कर लगा दें, ये आपके लग जाएगी। अब हम उसको हल करते हैं, 4 को 2 से जरा दे देंगे, माइनस की अलामत आपने लगानी है, 1 जरब आप 3 लिखेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 8, 3 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 3, जब 8 में से आपके ये निकल जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इस तरह बी का मक्ता जो था 5 लिखते हैं जो कि सिफर नहीं है, तो इसलिए बी भी आपका जो होगा ये गैर नादर कालम कहलाएगा। जी अब हम आते हैं कालम ए की तरफ, उसी तरह ही आपने हल करना है, ये अलामत लगानी है, 3 है, 6 है, 2 है और 4 है, उसी तरह मक्ता की अलामत आपने लगानी है, इसके साथ बस बराबर की अलामत एक नफर लगा दें, 3 जो होते 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि गैर जो होते बतरी अरकान को आपने जरब देनी होती है, इसके बाद बेहतर ब्रैकेट लगाए फिर आपने गैर बतरी अरकान का हासिल जरब निकालना होता है, ये भी उनको जरब देनी होती है, ये आपके पास जाएगी 12, 6 2 से मल्टीप्लाई होते 12, जब जमा के बारे में माइनस के बारे में निकलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिफर। तो ये भी कैसा कालम जिसका मक्ता जो होता है वो सिफर है, लिहाजा ये कालम जो होगा आपका नादर कालम कहलाएगा। दोबारा देखिए, ऐसा कालम जिसका मक्ता जो होता है वो सिफर हो वो आपका नादर कालम होता है, मतलब आपका डी कालम है ये आपका नादर कालम है, इस तरह आपका ए जो होता है ये नादर कालम है, और ऐसा कालम जिसका मक्ता सिफर ना हो यानी सिफर के अलावा जो भी आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए 4 आ जाए माइनस के अलावा आ जाए आपका इससे कलम सिफर नहीं होना चाहिए तो ये आपका गैर नादर कलम आ जाएगा। इसी तरह बीज होता है ये भी आपका गैर नादर कलम आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।